नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाएं उत्साहित। आज रविवार को करवा चौथ का व्रत पड़ा है, जिसे लेकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। दिन भर से निर्जरा व्रत करने के उपरांत ही महिलाओं के चेहरे पर एक सुकून वाली खुशी है। अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र के लिए यह व्रत उन्होंने रखा था। कल से ज्यादा आज मार्केट में चहल पहल थी, लेकिन करवा के सामान की दुकान अधिक होने के कारण कुछ दुकानदार निराश दिखे। कुल मिलाकर दुकानदारों के लिए यह त्योहार व्यवसाय के हिसाब से खट्टा मीठा रहा। रायसेन से राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। आज करवा चौथ का दिन है। हम यहाँ मार्केट में हाल जानने निकले तो कुछ व्यवसायी ने कहा कि उनका व्यवसाय कम चल रहा है, कुछ ने कहा ठीक चल रहा है। यहाँ हमें कई दंपत्ति मिले, जैसे हिंदी हमारे सामने खड़ी है मैडम, काफ़ी खुश थी। इसके अलावा भी कई हमें लोग मिले, उनको काफ़ी खुशी थी कि उन्होंने कहा कि हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं। अब ये चांद कब निकलेगा ये उनको ने पता नहीं है, लेकिन मैंने एक बात महसूस की कि हर महिला के चेहरे पर एक खुशी थी। उनको लग रहा था कि उनके जो पति परमेश्वर हैं उनकी उम्र लंबी हो। भारतीय संस्कृति की यही पहचान है कि यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या लेने आए हो आप? मैं अभी लेने आई हूँ। व्रत रखा है आपने? जी हाँ, व्रत है। क्यों रखा जाता है पता है आपको? पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, पति स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, उनकी लंबी आयु के लिए। अब आपको पता है चांद कितने बजे निकलेगा? चांद का नहीं पता, जब दिख जाएगा। ये चांद बताएंगे ना, सामने है एक चांद। आपकी पत्नी ने आपके लिए व्रत रखा, कैसा लग रहा है आपको? जी ये क्या है, हिंदू संस्कृति में एक बड़ा अच्छा त्यौहार है, और पति पत्नी को दोनों को कनेक्ट रखने के लिए, एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे, तो हमें तो यही लगता है कि ये करवा चौथ का व्रत जो है ना, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जोड़े रखता है, और हम सब उसे खुशियों से मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं उस त्यौहार को। और करवा चौथ क्या है ना, हमारे यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार भी, जैसे तीजा है, करवा चौथ है, वो बहुत ही प्यारे त्यौहार हैं। तो अभी इनके साथ निकले हुए शॉपिंग करने के लिए, इनको कुछ करवा चौथ के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो साथ ही में निकले हुए लेने के लिए। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? जी मेरा नाम आशीष पांडे है, और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। क्या लेने आए हो आप? करवा चौथ का सामान लेने आए। अच्छा, अभी कुछ नहीं खरीदा आपने? नहीं, खरीद रहे हैं। कितने बजे निकलेगा चांद पता है आपको? चांद 9 बजे निकलेगा। अच्छा, कितने साल से कर रही है व्रत ये वाला? जब से शादी हुई है जब से कर रहे हैं। काय के लिए किया? पति की लंबी उम्र के लिए करा है। अच्छा, पति भी तो ऐसा हो कि जिसके लिए अपन व्रत करे, अपना पति ऐसा ही है, इसीलिए तो कारण क्या है? दुकानें बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा दुकानें हो रही है, अति ज्यादा। रेट तो ज्यादा नहीं है? रेट तो ज्यादा नहीं है, रेट तो सेम ही है, लेकिन दुकानें अति ज्यादा बढ़ रही है। एक दुकान की 10 दुकान है, एक भाई नहीं, चार भाई, चार दुकान लग रही है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार प्रजापति। कैसा चल रहा है काम आपका? सब बढ़िया चल रहा है। कितने का है ये सामान? सर 100 रुपए का सेट है पूरा। अच्छा, क्या क्या आता है इसमें? छल्ली आता है, किताब आती है, पोस्टर आता है, उड़ाई आती है, गरबा आता है, चुनरी आती है, श्रृंगार का पैकेट आता है, पूरा समझम समथिंग समथिंग 7-8 आइटम आते हैं 100 रुपए का।